हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल अगेन इन माय न्यू यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे फाइंडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट्स या फाइव डिजिट्स या फोर डिजिट्स व्हिच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ वी विल टॉक टुडे अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स, सिक्स डिजिट्स, सेवन डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आज का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आज का हमारा क्वेश्चन होगा फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट और लार्जेस्ट, दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकता है। आपको बस सॉल्व उसी मेथड से करना है जैसे हम आज आपको बताएंगे। फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स आप सिक्स डिजिट्स, सेवन डिजिट्स चाहे फोर डिजिट्स, जैसा भी आपसे पूछा जाएगा आप लेके सॉल्व करेंगे। फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि फाइव डिजिट्स का वो बड़े से बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है आज की वीडियो में जो परफेक्ट स्क्वायर हो। कल आप लोगों ने लीस्ट नंबर के प्रॉब्लम्स को देखा था। लीस्ट नंबर में क्या था, अगर सिक्स डिजिट्स का लीस्ट नंबर है तो वन लिखकर हमें 50 लिखना था। यहाँ पे लार्जेस्ट फाइव डिजिट लिखना है या ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट का नंबर लिखना है, तो सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स। इसमें सिंपल है, जितने डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाएगा उतनी बार हम लिखेंगे नाइन। फाइव डिजिट्स का है तो फाइव टाइम्स हम लिखेंगे नाइन। क्लियर? कॉमा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगा देंगे तो आफ्टर थ्री डिजिट्स लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, 39 के बाद कॉमा होगा, फिर इसके बाद मीन्स 99,999 फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। इसके बाद हमें वही पिछला वीडियो जैसे आप देखे थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट। फाइव डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर हमारा 99,999 है। पीछे से पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। मैंने आपको बताया है जब कोई नंबर नहीं है तो जीरो आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका पेयर के रूप में आ जाएगा। अब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो आप देख रहे हैं पहला पेयर 09 है, थ्री टाइम्स आपको ले जाना होगा, थ्री यहाँ लेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन यहाँ लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ थ्री को ऐड करेंगे, थ्री और थ्री मिलकर होगा सिक्स। यहाँ पर आपको पता है कि जब भी नंबर उतरेगा तो ये पेयर में उतरेगा, मीन्स 99 अगेन ये हो जाएगा। देखिए मेथड्स वही हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के। तो आपको बार बार एक वीडियो को देखकर आपको समझ आना चाहिए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है और किस तरह की, कितने तरह की प्रॉब्लम्स आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर टू टाइम्स लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज टू टू जा फोर एंड टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो ज़्यादा हो जाएगा, 124 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर वन कोसेंट ले जाएंगे, यहाँ भी लिखेंगे वन, यहाँ लिखेंगे और ऐड करना रहता है तो हम यहाँ भी लिख देंगे वन वन टू और आगे होगा सिक्स। यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, वन वन जा वन, वन सिक्स जा सिक्स, माइनस करिए, नाइन में से वन गया एट और यहाँ हुआ नाइन में से सिक्स गया थ्री, ये हो गया 38।
अब आगे नेक्स्ट पेयर जो हमारा होगा वो नाइन, नाइन लास्ट पेयर है, इसको नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 3899, 3899। अब आप देखें, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी कि कितना यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, और आप देखते हैं कि वीडियो में मैं एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस चीज़ की। जैसे ही आप यहाँ जीरो लिखते हैं तो ये हो जाएगा 620, ठीक। अब आप देखेंगे कि ये 3000 है, मीन्स 3800 के आसपास आपका नंबर आना चाहिए। तो लास्ट नंबर से हम चेक कर सकते हैं, अगर 6 टाइम ले जाते हैं तो 6 6 जा 30 6 होता है, तो 36 के आसपास आपका तो मिल जा रहा है। 7 बार ले जाके चेक करेंगे तो 7 6 जा 42, मीन्स 42 इज़ ग्रेटर दैन 38, दैट्स वाई वी हैव टू टेक 6 एज द कोसेंट। वी विल राइट हियर 6, यहाँ भी लिखेंगे 6, यहाँ भी लिखेंगे और 6 यहाँ भी लिख लेते हैं, क्योंकि ऐड करना होता है। लास्ट स्टेप में मायने नहीं रखता है कि आप ऐड करते हैं या नहीं, केवल शो कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 में 3 प्लस करेंगे 15 फॉर 5, 1 विल बी कैरी, 6 6 जा 37, मीन्स 36 तो होगा, 1 कैरी जो आपने लिया है वो 37 बन जाएगा। हम डायरेक्ट बोल देते हैं कैरी को इसलिए, और माइनस करिए, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4 एंड 8 में से 7 गया 1। कल की वीडियो में अगर हम लोग लीस्ट नंबर जब आप फाइंड आउट कर रहे थे तो आप देख रहे थे ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये डिवाइडेंड से ज़्यादा था, मीन्स वी हैव टू टेक द रिमाइंडर एज नेगेटिव, बट इन द केस ऑफ फाइंडिंग ग्रेटेस्ट नंबर द नंबर शुड नॉट बी ग्रेटर दैन द डिवाइडेंड, दैट्स वाई वी विल टेक द नॉर्मल एज द लो वैल्यू दैन दिस, दैट्स वाई 143 विल बी द नॉर्मली रिमाइंडर। आगे है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो इसके लिए हम लिखेंगे देयर फॉर द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, जितने भी लेंगे आप वो मैटर नहीं करता है, प्रोसेस यही होगी, 5 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं वीडियो यहाँ पर पेज ज़्यादा वो होगा, ओपन करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सिंपली हमारा नंबर था 9, 9, 9, 9 और 9, मीन्स 99,999 था। अब इसमें से जो हमारा रिमाइंडर आया है 143 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका जो नंबर आएगा वो लार्जेस्ट 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, मीन्स 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 एंड 9 में से 1 गया 8। आगे यहाँ कुछ नहीं है तो 9 और यहाँ भी 9, तो आप देख सकते हैं आपका रिक्वायर्ड नंबर जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है वो आ गया 99,856। याद रखें, एक मैं आपको ध्यान से समझाने वाली बात बता रहा हूँ, जो हमें ग्रेटेस्ट नंबर जब फाइंड आउट करना होता है तो रिमाइंडर को पॉजिटिव में लाना होता है, और जितना रिमाइंडर बचता है वो उस ग्रेटेस्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ लीस्ट नंबर आपको रिमाइंडर नेगेटिव में लाना होता है और वो ऐड करना पड़ता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे लीस्ट नंबर और क्या ग्रेटेस्ट नंबर में अंतर होता है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक आपको ना समझ में आए तब तक आप उसको देखें और लोगों को भी शेयर करें, जिससे एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जितने भी डिजिट का आपको फाइंड आउट करना है आप आसानी से कर पाएंगे। लीस्ट नंबर के बेसिस पर भी आप कर पाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर के भी बेसिक जो रूल्स हैं वो मैंने बता ही दिए हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ये भी आपने देखा।
तो सारे चीज़ें जो हैं वो इस टॉपिक में कवर किया जा रहा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट वाला टॉपिक भी हो चुका है। इसलिए प्लेलिस्ट में जाएं या वीडियो के नीचे जो लिंक दिया जाता है वहाँ जाएं और वहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप सारी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो उनके पास भी पहुँचे और वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अपने आप को एबल कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में ये जानना जरूरी है और इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। आज का जो क्वेश्चन था मैंने केसी सिन्हा क्लास 8 की बुक से लिया है, क्वेश्चन नंबर 23 है इस तरह। उसमें सारे पार्ट्स हैं तो मैंने एक एक पार्ट क्लियर कर दिया है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तरीका यही होगा, मेथड यही होगा। इसलिए प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो लोगों को शेयर करें जिससे उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, उनको वीडियो मिल जाए। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें और वीडियो को लोगों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।